नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज देख रहे हैं हमारे पास ये सैमसंग कंपनी का टाइमर है और ये हमारी मशीन है। दोस्तों, हमने मशीन से टाइमर निकाल लिया है, देखिए। दोस्तों, मैं जा रहा हूँ इसमें टाइमर लगाने और इसका कनेक्शन करने, जिसके बारे में मैं आप लोगों को कनेक्शन कैसे किया जाता है वॉच टाइमर का सारा चीज़ इसमें मैं बतलाऊँगा। हम लोग देख सकते हैं किस तरह से पूरा मतलब चूहा घुसकर काट दिया है, वायरिंग एकदम बिल्कुल सब कुछ खत्म है। चलिए, सारा तार यहीं पे है और यहीं से मैं कनेक्शन करूँगा। इसका कनेक्शन करके मैं फिर दिखवाता हूँ, क्योंकि वीडियो। दोस्तों देखिए, मैंने इसका टाइमर लगा दिया, सैमसंग का है, और देखिए टाइमर मैंने बैठा, इसमें पेच नहीं होता है, केवल ये लॉक का होता है। तो हमने इसका टाइमर अच्छे से डाल दिया है और जो भी तार है वो बाहर आ गया है, ठीक है। तो चलिए, मैं इसका कनेक्शन करता हूँ, फिर मैं दिखवाता हूँ आप लोगों को। कि चलिए मैं इसका कनेक्शन फिलहाल मैं कर देता हूँ, लगा देता हूँ। बर्जर का ये तार है, ये ग्रे कलर और ये पिंक कलर दोनों आपके इसके हैं, बर्जर के। तो हमने बर्जर पे डाल दिया है, पहले ऑलरेडी तो था इसको, और हमारे पास टोटल बचे हैं देखिए चार तार। तो चार तार हमारे मोटर को जाएंगे, चलिए मैं दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, हमने टोटल कनेक्शन जो है कि इसका कंप्लीट कर दिया है। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इसके कनेक्शन के बारे में मैं बतलाता हूँ। देखिए, ये जो ब्लू कलर का तार है और ये हल्का हल्का जो ऑरेंज है, ये दोनों हमारे डोर स्विच के तार हैं, देख रहे हैं। ये दोनों कट गया था और हमने यहाँ पर लेकर जोड़ दिया। और ये जो आपको चॉकलेटी कलर दिखाई दे रहा है और ये ब्लैक कलर, ये दोनों स्पिन टाइमर के तार। स्पिन टाइमर का तार दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा तो पिंक कलर का है, और हमने यहाँ पर चॉकलेटी जोड़ दिया है क्योंकि तार था नहीं, इसलिए हमने जोड़ के यहाँ पर स्पिन टाइमर पर दोनों सप्लाई दे दिया, ठीक है। अब बचे इसमें टोटल चार तार, एक ब्लैक, वाइट और बैगनी कलर है, येल्लो, ठीक है। चार तार ये देखिए आ रहा है, ये दो तार आपके मेन हो गए, फेस और न्यूट्रल का ये दोनों सप्लाई वाला तार हो जाएगा, और ये दोनों तार आपके चले जाएंगे मोटर पे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नीचे आते हैं, देखिए नीचे पूरा कनेक्शन फाइनल है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ से हम अपने प्लग को इस सीरीज बोर्ड में डालेंगे। सीरीज बोर्ड में सप्लाई ऑन, ठीक है, सीरीज बोर्ड सप्लाई आ रही है। यदि हमारे मशीन में कोई भी फॉल्ट होता, कहीं भी आपस में फेस न्यूट्रल लड़ते, तो दोस्तों हमारा जो ये बल्ब है तुरंत ऐसे जल जाता। तो ये बल्ब हमें ये दर्शा रहा है कि हमारे मशीन में कहीं भी फॉल्ट नहीं है। अब हम इसमें 220 वोल्ट डायरेक्ट देकर चला सकते हैं। तो चलिए, आइए हम 220 वोल्ट देकर चलाएं। यहाँ से इसको 220 वोल्ट हमने डायरेक्ट दे दिया। अब हम यहाँ से इस टाइमर को घुमाते हैं। टाइमर को हमने ऑन किया, पल्सेटर घूम रहा है, एक बार सीधा एक बार घूमता, कोई दिक्कत नहीं है, देख रहे हैं। तो हम स्पिन टाइमर को भी ऑन करते हैं, आइए यहाँ से स्पिन टाइमर को ऑन करते हैं। स्पिन टाइमर पर हमारी सप्लाई जा रही है, बट जो है कि हमारा यहाँ पर सप्लाई ये ब्रेक पहले से टूटा हुआ है, इसलिए मशीन चलेगा। इस ब्रेक को उठाएंगे, देखिए नीचे निकलेंगे, आप लोग एक बार हमसे पूछ सकते हैं। और इस कनेक्शन को मैं कॉपी के थ्योरी से बता सकता हूँ, उसमें डायग्राम बनाकर, और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। तो ठीक है, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो को जरूर बतलाइएगा, एक बार फिर कमेंट करिए और अपना राय बताइए। और दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, बाकी आप लोग अपना कमेंट में क्या राय देते हैं। यहाँ से देखिए, इसका डोर जो होगा, फाटक डोर है, ये भी टूटा हुआ है, और यहाँ से हम फाटक यदि उठाते हैं तो यहाँ से हमारा काम करता है ये डोर स्विच, ठीक है, आना होता है यहाँ से डोर स्विच ऐसे। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और